तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्जी। सो आज मैं थोड़ा निकली हूँ और कुछ काम है। किस लिए मैं निकली हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा, चलिए मेरे साथ। और आज है 10 तारीख है और 2022 है, जनवरी है। सो चलिए निकलते, बहुत इम्पोर्टेंट काम है अभी फ़िलहाल। सो वो काम देखते हैं होता है कि नहीं, वो थोड़ा ज़रूरी है करना। सो लेट्स गो। ये पार्ट मेरा ख़राब हो गया था। मैं दिखा रही हूँ कि मेरा जो पहला था वो कैसा हो गया था, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। सो ये वाला है मेरा पुराना चार्जर, आप लोग देख पा रहे हो। सो ऐसे हालत में मैं चला रही थी। सो अभी ये गिव अप कर लिया है। सो अभी नया वाला लेके मैं अभी आप लोगों को दिखाया ना कि नया वाला लगा के मैं काम कर रही हूँ, मतलब चार्जिंग हो रहा है अभी। सो दोस्तों मैं अभी आई हूँ मॉल में और बहुत सारे मतलब बच्चे लोग गाड़ी चला रहे हैं। और स्पेशली मॉल में एक रूल है, आपका अगर सेकंड डोज नहीं होगा तो आप मॉल में घुस नहीं पाओगे। सो सेकंड जो डोज है कोविड का वो लेके आएगा, नहीं तो आपको मॉल में घुसने नहीं देगा। सो ये वाला चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कितना सुंदर से बनाया है दोस्तों, देखिए। दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये चीज़। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने फटाफट से कैमरा निकाला और कैप्चर कर लिया। और जो मतलब इतना सुंदर लग रहा है, आप लोग फील कर सकते हो उस। तो यहाँ पे आप लोग बॉडी मसाज कर सकते हो बहुत, और लेग भी साथ ही साथ कर सकते हो। सो अभी हम लोग जा रहे हैं लंदन बस में, ऊपर से आ जाओ इंजॉय होने का। मेरे साथ और एक साथी है लंदन में, मेरे को लंदन में एक साथी मिल गया देखो। Enjoy! अब मेरे को ठोकना दे कोई सिर्फ। साथी हैं लंदन बस में और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे बैठ के। और हम घूमे जा रहे हैं बट लंदन नहीं मिल रहा है हमको। प्लीज़ लंदन आने से बोल दीजिएगा, कब लंदन आएगा हम लोग, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो शायद 2-3 चक्कर और भी है, घूम ही रहे कब से हम। सो लंदन बस है तो हम लोग फ्लाइट से सफ़र नहीं करते हैं, ड्यू टू कोविड के रीज़न हम लोग बस लिए हैं। लेट है दोस्तों, मैं बैठी हुई हूँ टिकट लेके और एक पैसेंजर आया है अभी, बहुत क्यूट सा पैसेंजर मेरे साथ था। उसका सीट लेके बैठा है। किधर दिखाओ ये वाला टिकट है भाई, बच्चे का सीट। ओके कभी अर्पित ना करना। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, एंजॉय करो लाइफ को। कल क्या होगा पता नहीं है दोस्तों, कुछ भी पता नहीं है, तो एंजॉय करो। थोड़ी देर के रुकना पड़ा क्योंकि लंदन बस हम लोग के बिल्कुल आगे है, तो लंदन बस जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हम नहीं जा सकते हैं। तो हाँ लंदन बस जा रहे हैं अभी हम लोग भी जा रहे हैं, तो इसके पीछे हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा लग रहा है। सो यहाँ पे बच्चे तो है और एक मैं बहुत बड़ा सा बच्चा हूँ, तो मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा बच्चा है। बच्चा दिल रहना बहुत ज़रूरत है दोस्तों, तो वो चीज़ ख़त्म नहीं होना चाहिए एक्चुअली बोलने के लिए। वो जो बच्चा है आपके अंदर उसको हमेशा उसको
जिंदा करके रखिएगा। और इस महाशय को देखिए, ये बहुत बढ़िया बनाया है। ये देखिए कितना सुंदर सा एक मेज़ी बनाया है, मेज़ी बोलते हैं इसको, और ये बिग बाज़ार में किया गया है, बहुत ही सुंदर सा। सो दोस्तों, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, तो देखते हैं। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त ने दिया है, देखते हैं, पहले खोलते हैं धीरे धीरे, अच्छे से इतना अच्छा सा पैकिंग किया है उसने। सो इट्स रियली नाइस पैकिंग, बहुत अच्छा किया। अच्छा, धीरे धीरे इसको खोलना होगा, इधर से खोलते हैं। रुकिए, दोस्त लोगों का पैकिंग जो कवर होता है ना, वो मतलब ऐसे तैसे फाड़ने का भी मन नहीं करता, धीरे से अच्छे से। और वो पैकेट भी हम लोग अभी भी रख देते हैं, मैं तो रख देती हूँ, जो लोग मतलब मेरे बहुत ख़ास है मेरे लाइफ में। ये तो खुल नहीं रहा है। मेरे बहुत दोस्त भी हैं, उन लोगों का भी आज तक मेरे पास कवर है ऐसा रख दिया है मैंने। तो आराम से हो गया। चलो देखो, अभी ओपन करने का टाइम, अभी खोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे और एक ब्लैक टिप है, खोलना होगा। मेरा नाखून ही नहीं है ना, तो प्रॉब्लम होता है। खुल जा भाई, खुल जा। मेरा नाखून नहीं है, होने से ना प्रॉब्लम हो जाता है। रुके, बाप रे, खुल गया। ओह, गॉड, यार इमोशन कर दिया, यार इमोशनल कर दिया। मेरे पास वर्ड नहीं है, कैसे डिस्क्राइब करूँ इसको। थैंक यू सो मच, रुला दिया यार। थैंक यू सो मच, इतना मैं बोल नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा सा गिफ्ट देने के लिए मुझे, बेस्ट गिफ्ट एवर, बेस्ट गिफ्ट एवर है ये। थैंक यू भी छोटा पड़ता है इसके आगे। ये मैं बहुत संभाल के रखूँगी, बहुत ज़्यादा संभाल के रखूँगी ये, प्रॉमिस। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज मैं जो दिल में मेरा मतलब इच्छा होता है ना कभी कभी, इस जैसे कि लंदन बस ऐसा टाइप का कुछ हो मिल गया, तो मुझे चढ़ने का बहुत मन करता है। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे चढ़ने का बहुत मन करता है। बट आज मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी, तो उसको बोला कि मुझे चढ़ना है, तो उसने बोला, बाकी लोग बोलते हैं नहीं, छोड़ दे ऐसा बोलता है बाकी लोग, मतलब बाकी जिन लोगों को भी मैंने बोला था, तो बोला नहीं, छोड़ दे, क्या अभी इतना मतलब जाना है ये सब के, मतलब बच्चा है क्या तू। बट मेरी फ्रेंड ने नहीं रोका मुझे, उसने बोला हाँ तुम जाओ एक ही बार में। मैंने बोला, पूछा उसको, तो उसने बोला हाँ एक ही बार में कि तुम जाओ। सो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। सो मैंने अपना पूरा एंजॉय किया उस राइड में, उस दो राइड में, तो मैंने दो राइड लिया था। मुझे बहुत मज़ा लगा, बहुत मज़ा, 100-100, 200 गया मेरा, बट मुझे अच्छा लगा इसलिए। सो अपने अंदर का जो बच्चा है ना, कभी उसको मारना नहीं दोस्तों, जो अंदर का जो बच्चापन है उसको कभी भी मत मारना,
ये मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो और जो गिफ्ट मिला आज वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सो थैंक यू फॉर द गिफ्ट। ये गिफ्ट नहीं, ये तो ये कुछ अलग सा इमोशन है, अलग सा इमोशन है। सो थैंक यू सो मच, आज का डे बहुत अच्छा गया। और सो मेरी फ्रेंड आई है, सो उसके साथ जब भी मैं निकलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं हम दोनों और क्योंकि बहुत अच्छा सा फ्रेंडशिप है हम दोनों का। और उसके साथ जब भी निकलती हूँ, क्योंकि मेरा ये चैनल ना मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों के लिए भी मतलब है, बोल सकते हो ये चीज़, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होते तो मैं नहीं होता। इतना इंस्पायर करते हैं मेरे को, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन, थैंक यू सो मच मुझे इतना इंस्पायर करने के लिए, तो थैंक यू। मेरे ऊपर बिलीव रखना, मैं निराश नहीं करूँगी आप लोगों को, जितना हो सके आप लोगों को मैं वीडियो अच्छे से अच्छा करने का करूँगी। और ऑफिस रहता है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और खुद और एक बात इम्पॉर्टेंट, वही बात मैं सेम बोलूँगी कि अंदर का बच्चा मरने मत देना कभी भी, उसको ज़िंदा रखना, ठीक है। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आज नहीं बोलूँगी कि अच्छा लगे तो मुझे अच्छा लगा, मतलब इतना ज़्यादा आप मेरे स्माइल देख के समझ सकते हो मुझे वो दो राइड करके मुझे कितना मज़ा आया। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि शर्म लगेगा, वो ऐसा लगेगा मुझे कभी भी ऐसा, मुझे करना है, मुझे खुशी मिलेगी तो मैं रोकू क्यों अपने आप को, है ना, कि यार लोग क्या बोलेंगे मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होता। तो अगर कोई बोले हाँ जा तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। सो एनीवेज अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो बेल आइकन का ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और मेरा नोटिफिकेशन तब भी आपको मिलेगा अगर आपने बेल आइकन को सब्सक्राइब बटन के साथ अगर क्लिक किया, तभी मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, कल मिल लें एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।